हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा हमारा रियलमी 12 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप डाटा सेवर मोड को ऑन कर सकते हैं और अपने फ़ोन का सेवर मोड कैसे ऑन कर पाएंगे रियलमी 12 5G फ़ोन में, और सेविंग मोड आप कैसे ऑन कर सकते हैं रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि सेवर मोड ऑन कैसे कर सकते हैं और फ़ोन का सेवर मोड कैसे इनेबल कर सकते हैं रियलमी 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि सेवर मोड ऑन कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो सेवर मोड इनेबल कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से डाटा यूसेज सेटिंग्स ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से सेविंग मोड पे जाना है और सेविंग मोड का आप यूज़ करके अपने फ़ोन में सेवर मोड का आप इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन को सेवर मोड से इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से सेवर मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे मोबाइल डाटा वगैरह को आप सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड को इनेबल कर पाएंगे और डाटा सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली देख सकते हैं कि आप यहाँ से अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा ऐप्स का यूज़ भी कर सकते हैं और उनको ऑन करके उनके ऐप्स के जरिए भी डाटा सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड को आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में। और आप सर्च करते हैं डाटा सेविंग, तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं डाटा सेविंग क्लिक करके, और डाटा सेविंग पे जाकर भी डाटा सेवर को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो